छठवीं आर्थिक गणना 2012-13 का कार्य कराने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी सहचार्ज पदाधिकारी आर्थिक गणना बागमारा द्वारा साक्षरता कर्मियों को नियुक्त किया गया और 18-10-2013 से 10-11-2013 तक काम करवाया गया, जिसमें प्रगणकों को कहा गया था कि उन्हें इस काम के लिए मानदेय करीब 4,500 रुपया मिलेगा। परंतु लोहपिटी गांव की रहने वाली पुष्पा देवी और उसके जैसे पूरे प्रखंड में 187 परगणकों और 31 पर्यवेक्षकों को इस काम का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। उसका जो मानदेय बोल रहा था कि मार्च तक कंप्लीट कर देंगे, अभी तक लोग मानदेय नहीं मिला। इसी तरह क्या हम लोग इस तरह और कोई काम करेंगे? एक महीना दो महीना कब अपना परेशानी झेल झेल के किए हैं, अभी तक हमको पेमेंट नहीं दिए। आप लोग किसका कहने पर यह काम किए थे? जसद जी बोले थे हम लोग और प्रखंड सहायता प्रबंधक भी हम लोग को बोले गए थे, तो हम लोग जितना सहायता कर्मी थे सब मिलकर इस काम को हम लोग किए। कितना दिन का काम था? एक महीना का काम था। एक महीना में हम लोग रात दिन पूरा मेहनत किए। कभी कभी सुबह बिना खाए पिए हम लोग चल जाते थे, आते थे शाम को, फिर शाम को घर में आके हम लोग बैठ के फिर 10 बजे रात को उसको मिला के हम लोग। उस टाइम तो जब हम लोग सर्वे कर रहे उस टाइम बार बार हम लोग को लोग बुला रहा था, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। हम लोग सब घर परिस्थिति करते हुए गए, फिर भी हम लोग का अभी तक मानदेय नहीं हुआ। गरीबी को झेलना पड़ता है। आप लोग कभी इसके बारे में कहीं बोले हैं? हाँ, ऐसे तो हम लोग बगमरा में बोले थे, तो बोला गया था कि पैसा आ गया है, पूछे तो आ गया है। तो हम लोग सोचे कि एक दो महीना में मिल जाएगा, इतना रोज में बर्दाश्त किए, तो बोला कि चलो एक दो महीना और बर्दाश्त कर लेते हैं। तो फिर भी अभी तक हम लोग को नहीं मिला गया। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाई चूँकि मैं भी इस समस्या से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से यह अपील करती हूँ कि आप बागमारा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री गिरजानंद किस्कू को मोबाइल नंबर 9471916 28 पर कॉल करके अविलंब दबाव बनाएं और हमारी मदद करें, ताकि हम लोगों को जल्द से जल्द हमारा मानदेय मिल सके। मैं भारती, झारखंड के धनबाद जिले से, इंडिया अनहट के लिए।